गौरव जी मैं इनको बताता हूँ, गौरव जी मैं बताता हूँ, हमने लड़ाई लड़ी पंजाब के अंदर, हमने लड़ाई हरमंदर साहब के सामने जब बेगुनाहों का कत्लेआम हुआ हो रहा था। मुझे एक चीज बताइए, को बोलने को हिम्मत नहीं आज किसी की हिंदुस्तान के अंदर। कौन था भिंडरांवाला मैडम? 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम किया, पंजाब को तबाह कर दिया, वो था भिंडरांवाला। किसी की हिम्मत नहीं है, ना पंजाब के चीफ मिनिस्टर की, ना प्रकाश सिंह बादल की, ना बीजेपी की, ना किसी और की। लाइनें खड़ी करती, लाइनों में खड़े करके बेगुनाहों का कत्लेआम, उसकी फोटो लगाते हैं। अब मैं बोलता हूँ भिंडरांवाला कौन था, करिए बहस, अकेले आइए, मैं बताता हूँ कौन था भिंडरांवाला। ये करना चाहते हैं आप लगाइए उन लोगों की फोटो जिनको बेगुनाहों का कत्लेआम किया गया। आप संदेश दिए, गुरु नानक देव जी महाराज का संदेश क्या था? अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के द बंदे, वो संदेश दीजिए। ये लड़ाने वाला काम मत कीजिए, अगर अच्छा काम किया है तो अच्छाई की तरफ चलिए। भिंडरांवाले की फोटो देके आप खालिस्तान का नारा देके क्या कहना चाहते हैं? नहीं, भिंडरांवाले की फोटो लगा के आप क्या संदेश देना चाहते हैं? बताइए, कोई नहीं बोलेगा, मैं बोलूं, बताइए क्या कहना चाहते हैं? 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम किसने किया, बताइए? क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया था? क्या किसी हिंदू ने किया था? क्या आप सिख ने किया था? हमारे हरमंदर साहब ने ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ आप लोगों की गलतियों के कारण। हमारे सिख समाज का पाकिस्तान आईएसआई ने नुकसान किया आपके कारण। आप फिर उस रास्ते पर चल पड़े, आपके अंदर क्या है? मुंह में राम राम, बगल में छुरी। सिखों पर कमोडर साहब, आपने अपनी फौज चढ़ा दी 1984 में सिखों पर गोल्डन टेंपल में। अरे उसका जिम्मेदार कौन था? नींव आपने रखी थी पंजाब के अंदर, पंजाब के अंदर AK-47 आपने भेजी थी, पंजाब में गोला बारूद आपने भेजा था, हरमंदर साहब में गोला बारूद पाकिस्तान से आया था, लिखा होता था मेड इन पाकिस्तान। आपकी भेजी हुई बंदूकें, आपके भेजे हुए हथियारों से 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम हुआ। हम इसके गवाह हैं, हमने वो बंदूकें देखी, हमने वो बंदूकें देखी है जनाब।